जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी। इसी बात का खौफ था मुझे कि बच्चे इस नए रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे बाबा, पर नहीं, आप लोगों ने नहीं मानी मेरी बात। शरीफ लोगों को जबान तो दे दी आपने, लेकिन अब कल कलां को अगर वो औरत इस घर में आती है, बच्चों के साथ अच्छा सलूक नहीं करती या बच्चे उसके साथ अच्छा रवैया रवा नहीं रखते तो कौन जिम्मेदार? बेटा तुम फिक्र मत करो, उजाला बच्चों को अच्छी तरह से समझा देगी। प्यार की जबान नहीं समझते अम्मी को। किरण के बच्चे हैं, किरण की मां की गुट्टी है, उनको उन जैसे खुदगर्ज हैं वो। वो सिर्फ किरण की नहीं, तुम्हारी भी औलाद है, उनकी रगों में इस खानदान का खून है। तुम फिक्र न करो, सुधर जाएंगे। बेटा इस उम्र के बच्चे कच्ची मिट्टी के बने हुए होते हैं, उन्हें जिस सांचे में ढालोगे ना उसमें ढल जाएंगे। अब नवीन को ही देख लो, उजाला का प्यार पा के अपनी सगी माँ को भूल गई है। मुझे पूरा यकीन है जरबाब के आयशा भी मोहब्बत से ना बच्चों के दिल में अपनी जगह बना लेगी। अल्लाह करे ऐसा ही। और अगर ऐसा ना हुआ तो कल कलां को वो औरत इस घर में आकर बच्चों के साथ बदतमीजी करती है, उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करती, सौतेली माँ जैसा सलूक करती है या बच्चे उसको मिसट्रीट करते हैं तो ये घर एक बार फिर जहन्नुम बन जाएगा बाबा। अल्लाह ना करे बेटा, अच्छा अच्छा सोचोगे तो फिर अच्छा ही होगा ना इंशाल्लाह। कैसे अच्छा सोचूं अम्मी जान, अच्छा हुआ ही क्या है मेरे साथ? खैर मेरी मानिए बाबा, तो आप उन लोगों को दो टोक बता दीजिए कि हम इस घर में उस लड़की को सिर्फ बच्चों की मां की हैसियत से ला रहे हैं। वो मेरे लिए सिर्फ मेरे बच्चों की मां होगी, मेरी बीवी कभी नहीं बनेगी। और अगर उसने बच्चों के मामले में कोई कोताही बरती तो कम से कम मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। अल्लाह खैर करे। Thank you.
देखो मुझे तुम्हारी मदद। किरण हमेशा बाजी में जाती है। बहुत बड़ा दिल है किरण का। सिर्फ दिल? बैंक अकाउंट में तो बड़ा है फैट का। हाँ तो बुराई क्या है इसमें? आखिर इसके है कि टॉप बिजनेसमैन में से हैं मेरे शौहर और मैं उनकी चेहरे की बीवी। बहुत ख्याल रखते हैं जरबाब मेरा, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देते। और फिर तुम लोगों को तो पता ही है अल्लाह ने मेरा हाथ बहुत खुला रखा है। फैमिली और फ्रेंड्स पर खर्च करते हुए मैं जरा भी नहीं सोचती। अल्लाह करे तुम हम पे यूं ही खर्च करती रहो। कैसे दोस्त हैं, मेरे अच्छे वक्तों में मेरे आगे पीछे घूमते थे और आज मैं मुसीबत में हूँ तो कोई उनसे बात भी नहीं करना चाहता। क्या करूं, कहां जाऊं? अकेली रह गई हूं मैं। वो कुछ ऐसे चाहिए मुझे। Of course. कितने? यही कोई 20 लाख। कितने? 20 लाख। आपको पता है पॉकेट मनी कीमत में आपको कोई 2-3 लाख रुपए मिलते हैं। फिर आप शॉपिंग करती हैं, हैंगआउट्स करती हैं, रेस्टोरेंट्स में जाती हैं, उसमें भी बहुत सारे पैसे। अब क्यों चाहिए 20 लाख? ये पैसे मुझे मेरे लिए नहीं चाहिए। फिर किस के लिए चाहिए? वो अम्मा, अम्मा के लिए चाहिए मुझे पैसे। हाँ अम्मा के लिए क्यों चाहिए? क्योंकि अम्मा को कैंसर है, ब्लड कैंसर। तो बहुत तकलीफ में है यहाँ पे, लेकिन कैसे आती? मुझे यहाँ का एड्रेस नहीं पता था। कहाँ से ढूंढती इस जेल को? इतनी मुश्किल से ढूंढते ढूंढाते पहुंची। क्यों, बख्तियार नहीं आया तेरे साथ? गोली मार बख्तियार को, वो तो मुझे आने ही नहीं दे रहा था। मुझे कह रहा था जाने की कोई जरूरत नहीं। अंदर से डरती आई हूँ कि हलीमा को पता चल गया तो हलीमा ने बता दे उसे। अम्मा चली गई तो अम्मा मुझे छोड़कर, काश तू मेरे पास होती तो तेरे कंधे पर सर रखकर खूब रोती, मेरे दिल का बोझ हल्का करती। क्यों क्यों चली गई तू मुझे छोड़कर? कोई नहीं है मेरा, मेरे दोस्त यार सबने मेरा साथ छोड़ दिया। कहते हैं ये जब भी आती है कोई फेवर मांग लेती है, मेरी पीठ पीछे मेरी बुराइयां करते हैं। करूंगी मैं,
कहाँ जाऊंगी, तो और कोई ठिकाना भी नहीं है। मैंने सोच लिया, मैं अपने घर जाऊंगी, मैं सरबाब से, उसके घर वालों से माफी मांगूंगी, अपनी गलतियों की माफी मांगूंगी, उन सबसे भीख मांगूंगी कि मुझे उस घर में रहने दो, क्योंकि इस घर के अलावा तो मेरा कोई और ठिकाना नहीं है। बस एक बार मुझे माफ कर दे तो मैं दोबारा कभी कुछ गलत नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। अच्छा, अगर तू होती मेरे साथ तो मैं इस तरह अकेली ना पड़ती। हुआ तो बुरा है, उसकी किस्मत ही खराब है उस लड़की की। किस्मत खराब नहीं है उसकी, उसकी जिंदगी तुम दोनों ने बिगाड़ी है। क्या उलफाल बके जा रहा है मनहूस? किसने चाबी भर के भेजा है तुझे? किसी ने चाबी नहीं भरी, भेजा रखता हूँ, सोच समझ सकता हूँ खुद। अच्छा, तो तेरे भेजे में यह कन्नास भरा हुआ है कि जो कुछ होता है या हुआ है हम जिम्मेदार है। वहां उसके ससुराल में जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार हम है, हमारी वजह से हो रहा है। नहीं, उजाला के साथ ससुराल में जो कुछ हो रहा है उसमें तुम दोनों का कोई हाथ नहीं है, लेकिन वहां भेजने में तो तुम दोनों का पूरा पूरा हाथ है ना। ना तुम उसे वहां भेजते, ना उसके साथ ये होता।
बस अल्लाह करे ये लड़की हमारे लिए अच्छी साबित हो। वैसे हम लोगों ने तो उनसे मिलकर तसल्ली कर ली है, अब मैं सोच रही हूँ कि किसी दिन उनको अपने घर बुला लें खाने पर, और जब वो लोग आए तो उसी दिन शादी की तारीख भी तय कर देते। वैसे एक बात है, किरण जब हमारे घर आ जाएंगी तो कितनी रौनक होगी ना घर में। मैं सोच रही हूँ मैं भाभी नहीं बोलूंगी, मैं किरण बोलूंगी, ताकि वो मेरी दोस्तों की तरह रहे। आप लोगों ने मिलकर हमारे मामा को हमसे दूर कर दिया है और उनके साथ बहुत बुरा किया है। और अब हमारे लिए नए स्टेप मॉम ला रहे। नो वे, मैं अपनी मामा की जगह किसी को नहीं लेने दूंगा। मुझे भी कोई स्टेप मॉम नहीं चाहिए। आई जस्ट हेट स्टेप मॉम। मैं स्टोरी में पढ़ा था स्टेप मॉम बहुत बुरी होती है। आई नो सारी स्टेप मॉम्स बुरी नहीं होती। हमें चांस देते हैं। हमें कोई चांस आज नहीं देना। हमें सिर्फ हमारी मामा चाहिए और हमें किसी और मामा की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ आहार, बट आप भूल जाएं उनको। वो नहीं आ सकती इस घर में, हमारी जिंदगियों में वापस। क्योंकि डाइवोर्स दे चुका हूं मैं उनको। I'm not afraid to die.
के तहत आई हो तुम वापस? तो तुम्हारा क्या ख्याल है? ऐसे ही मुंह उठाकर आ जाती? तुम जानती हो किरण, जिस गली मोहल्ले से तुम उठकर आई हो, इस घर में रहना ही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसे पाने के ख्वाब मत देखो। You know what? मुझे तुम्हारे साथ वापस ही नहीं आना चाहिए। ऐसे ही सारी जिंदगी जूतियां रगड़ते रहते वो ही अच्छा होता। कभी ये दिल बुझा दिया। अकेली आती, चुप रहती तो बेहतर था। इसका मतलब है कि आप अम्मा की बात नहीं मानेंगे। Never. मैं फिर कह रही हूँ, एक बार सोच लो, तुम बहुत पछताओगे सरबाप। सोचने की बारी तुम्हारी है। सरबाप, भूले मत, मैंने आपको औलाद जैसी नेमत दी है। दूसरी शादी करूंगा तो ये नेमत भी आ जाएगी। बड़ी बात थोड़ी है। रिश्तों की अम्मी, आप प्लीज आयशा को कमरे में ले जाएंगी? मैं अपना फोन गाड़ी में भूल आई, मैं अभी लेकर। अच्छा ठीक है। बच्चों आओ, अपनी नई मामा से मिलो। बेटा ये हमारे मामा नहीं है। हमें किसी से नहीं मिलना, हमारी सिर्फ एक मामा है जिनका नाम किरण है, और आप सब लोगों ने उन्हें मिलकर इस घर से बाहर निकाल दिया है। बहुत बुरी बात, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। जाए अपने कमरे में आप लोग सब। आयशा, आहत की बात का बुरा नहीं मानना, थोड़ा सा जज्बाती है, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। भाईजा, आयशा को कमरे में लेके जाओ बेटा। जी जी, आयशा Thank you.
किरण। अब क्या लेने आई हो तुम? मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें इस घर से निकालने की। तुम इस घर के अंदर खड़ी हो और मैं इस घर के बाहर। तुम्हें नहीं लगता कि ये सब किस्मत का खेल है? नहीं, शायद यही मेरे खेल की सजा है। सब ठीक हो कैसे सकता है तुम्हारे होते हुए उजाला? इतनी मासूम नहीं हो तुम, इसलिए मेरे सामने ये मासूमियत का ड्रामा भी मत करो। तुम्हें सीधा सीधा वार्न करने आए, ज़ेब को भूल जाओ और उसे शादी करने के ख्वाब देखना भी छोड़ दो। उसने तो साफ साफ कह दिया है कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ तुमसे। कब से चल रहा है ये सब? हाँ, और कितनी बार मिल चुकी उससे और कहाँ कहाँ, बताओ। किरण, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रही हो। ज़ेब ने मुझे प्रपोज जरूर किया है, लेकिन मैंने तुमने उसे क्या जवाब दिया तुमने उसे? सोचने के लिए वक्त मांगा? क्या मतलब सोचने के लिए वक्त मांगा? इसका मतलब तुम इस शादी के लिए राजी हो। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम इस घर की बहू बनोगे? ना, बुरा तो तुम भी मेरे साथ कर सकती थी। अच्छाई और बुराई का सबक मैंने भी तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ा था। काश तुमने वापसी का कोई रास्ता छोड़ा होता। जानती, मैंने वापसी का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। बच्चों के लिए नहीं माँ तो तुम ब्याह कर ले आई हो। लेकिन क्या तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखोगी? कौन आई थी? उजाला, और किसकी बात करूंगी मैं? फिर क्या, निकाल दिया मैंने कमरे से। बहुत अच्छा किया। दोनों बच्चों पे ऐसी नजर रखी हुई है ना, आते जाते इनको घूरती है, नजर लगाएगी। वैसे जब दिल चाहता है गोद में भी उठाती है, ना उठाने दिया करती है। लेकिन मशवरा तो सही दिया, इनके पेट में दर्द था, फौरन चुप हो गए थे। पता नहीं क्या टोटका खिलाया था। आँख मशवरा अच्छा देती है, वो कुछ नहीं पता उसको। ऐसे तो बच्चों की तबीयत देखकर कोई भी अंदाजे लगा ले। शुक्रिया। अपनी ज़बान पे कंट्रोल नहीं है ना तुम्हें? नहीं कर सकती कंट्रोल। आपके घर वाले जिसका जब दिल आता है मुझे जो जी चाहे बोल देते हैं, और मैं अगर जवाब भी दे दूं तो बुरी बन जाती हूँ। क्यों भाई? किसी ने तुमसे कुछ नहीं कहा? बिल्कुल, क्योंकि आप तो बहरे हैं। सुने, बीवियों के बिना कोई हकूक होते हैं? अरे तो कौन सा हक है यार जो तुम्हारा पूरा नहीं हुआ? तुम्हारी औकात से ज्यादा मिल गया है तुम्हें, इसलिए सर पे चढ़ के नाचती हो।
उजाला, उजाला कहाँ रह गई हो? आ रही हूँ। नहीं ये कोई जिंदगी।